तो हाँ जी सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे अफीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम उसी अफीम की बात कर रहे हैं जो नशीले पदार्थों में से एक है। इसीलिए आज हम देखने वाले हैं कि अफीम की खेती कैसे की जाती है, इसके बुवाई से लेकर अफीम को बनाने के पूरे प्रोसेस को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी खेती कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कौन कौन से लोग नहीं कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी खेती ठंड के दिनों में की जाती है, यानी इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीनों में की जाती है। जिस खेत में अफीम को बोना होता है उस खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार ट्रैक्टर से जोता जाता है। खेत की जुताई के बाद उसमें अच्छी तरह से गोबर या उर्वरक को छींटा जाता है ताकि अफीम की पैदावार में कोई कमी ना आए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी खेती एक लिमिट क्षेत्र पर ही की जाती है, जिसको अफीम डिपार्टमेंट तय करती है कि आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत भागों में अफीम की पैदावार की जाएगी। उर्वरक की छिटाई के बाद बारी आती है बीज बोने की, तो इसके बीज अन्य फसलों के बीजों की तरह किसी भी मार्केट में नहीं मिलता। यह केवल लाइसेंस लिए व्यक्तियों को ही मुहैया कराया जाता है। इसका बीज अफीम डिपार्टमेंट ही लाइसेंस वाले लोगों को देती है। और अगर थोड़ी मात्रा में इसके बीज आपको कहीं से भी मिल जाए तो भी आप उसे उगा नहीं सकते, इसे केवल लाइसेंस लिया हुआ व्यक्ति ही उगा सकता है। इसके बावजूद अगर आपने इसके पौधे को उगाया तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसका साफ मतलब है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और अफीम की तस्करी में पकड़े जाने पर आपको 10 से 20 साल की सजा या 1 से 2 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो बीज बोने के बाद लगभग 90 से 115 दिनों में इनके फूल लगने लगते हैं और ये फूल धीरे धीरे करीब 15 से 20 दिनों में ढोड़ों में बदल जाते हैं, जो एक तरह का अफीम का फल होता है। इनमें लगातार हार्वेस्टिंग, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का प्रोसेस चलता रहता है ताकि इसके पैदावार में कोई कमी ना आए। और फिर एक निश्चित समय के बाद इनके ढोड़ों पर कट लगाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि कट लगाने का काम दोपहर के बाद शुरू होता है। ढोड़ों में कट लगाने के बाद इन्हें रात भर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और ढोड़ों में से रात भर अफीम का रिसाव होता रहता है और इन्हें सुबह धूप होने से पहले कर्मचारी ढोड़ों से निकाल लेते हैं। ऐसे ही यह प्रोसेस 4 से 5 बार करने के बाद ढोड़ों में से अफीम का रिसाव बंद हो जाता है और अफीम को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस तरह हमारा अफीम बनकर तैयार हो जाता है और इन सूखे ढोड़ों को तोड़कर इनके बीज को निकाल लिया जाता है और बीजों को मार्केट में बेच दिया जाता है, जिनसे मसाले और दवाइयां भी बनाई जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बीजों से अफीम ही उगाया जा सकता है और ना ही इनके बीजों में किसी प्रकार का नशीला पदार्थ रहता है, इसीलिए इसका सेवन कोई भी लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बल्कि यह आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। अब बारी आती है अफीम को बेचने की, तो इसे अप्रैल के महीनों में बेचा जाता है और आप इसे किसी को ऐसे ही नहीं बेच सकते हैं और पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि इसे किसको बेचे, तो आप इसे केवल अफीम डिपार्टमेंट को ही बेच सकते हैं। और जब सभी किसानों का अफीम तैयार हो जाता है तो सारे किसानों को अफीम डिपार्टमेंट एक निश्चित तारीख पर बुलाती है और उनसे सारे अफीम खरीद लेती है। इस अफीम की कीमत 1800 रुपये प्रति किलो होती है, जबकि काले बाजारों में इसकी कीमत 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक बेचा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि अफीम को कैसे बोया जाता है और साथ ही आपने देखा कि इसे मार्केट में कैसे बेचा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे आप इन दोनों वीडियो पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी है।